दिल्ली में बाढ़ के बाद में अब डेंगू और मलेरिया का जो खतरा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस बार 6 साल में पहली बार ऐसा है कि सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज आए हैं। अब तक 15 जुलाई तक अगर हम एमसीडी के आंकड़े देखते हैं तो 160 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो डेंगू के अब तक आ चुके हैं, और धीरे धीरे मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। मैं इस वक्त एक नर्सिंग होम में मौजूद हूँ दिल्ली के, और मेरे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल सर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सर जो डेंगू के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है, और एहतियात सर क्या बरते हैं? कारण तो सबसे बड़ा है जो बाढ़ आया और उसके कारण जल भराव हुआ पूरी दिल्ली में, और कई कई फुट पानी सड़कों पर आ गया, तो और बारिश बहुत हुई तो उसके कारण बहुत जगह पानी भर गया, जल भराव हुआ, और वहाँ पर वो मच्छर पनपता है। जो साफ़ पानी में ये मच्छर पनपता है, तो इस कारण से डेंगू के केस इस बार बहुत बढ़ गए हैं। तो इसलिए अब आपको जो एहतियात करनी है, ये एक तो पानी इकट्ठा ना होने दें अपने घर में, छतों पे हम देखते हैं टायर पड़े हुए हैं वहाँ पर, और कप बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं ऐसे यूजलेस, तो वहाँ उसमें पानी नहीं इकट्ठा होने दें। आपकी टंकियों का मुँह खुला रह सकता है, उसको ढक के रखें, तो पानी को भरने ना दें। दूसरा ये है कि आपको मच्छरों से बचाव करना है तो पूरी स्लीव के कपड़े पहने, खास तौर से सुबह और शाम में अवॉइड करें, जहाँ खास तौर से मच्छर हैं तो सुबह और शाम में निकलता, सुबह शाम में बाहर ना निकलें, दिन में निकलें। घर में अगर आपके कई मच्छर हैं तो उसमें आप मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविक अथॉरिटीज़ भी जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ टेमीफॉस और क्लोरीन वाटर डालती है, नहीं तो फॉगिंग करती हैं जो एडल्ट लार्वा और एडल्ट मॉस्किटो को मारता है। और अगर मान लीजिए हो भी जाता है आपको, तो आपको ये ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं, और उसके अलावा भी किस स्थिति जो खतरनाक है जहाँ अस्पताल में भर्ती होना है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सर आमतौर पर ये देखा गया जब बुखार आता है तो लोग एक दवा ले लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, तो उस पर सर आपका क्या कहना है कि अगर किसी को उस तरीके के लक्षण हैं और उसके बाद वो क्या करें? देखिए, मैं तो बिल्कुल बहुत क्लियर कहता हूँ कि आप बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाई ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्यों कि इसमें क्या प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और हम एनसेड एक ग्रुप है जो अभी बैन भी किया है 3-4 दवाइयाँ दिल्ली में, जिसमें कि ये आपका ब्रूफेन जैसी दवाइयाँ हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो दर्द कम करती हैं, बुखार भी कम करती हैं, लेकिन ये नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके ये प्लेटलेट्स को कम कर सकती हैं आपको, और अगर मान लो ब्लीडिंग टेंडेंसी है डेंगू के कारण तो ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकती हैं, खासतौर से डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम है। हमको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि शुरू में ही डॉक्टर को दिखा लो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको एहतियात बरतना है, आमतौर पर ये देखना है कि आपके आसपास जो मच्छर हैं वही न पनपने पाएँ, अगर वो नहीं पनपेंगे तो फिर आपको इस बीमारी का खतरा कम हो जाता है। तो बहुत ही एहतियात बरतिए क्योंकि दिल्ली में मलेरिया और डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अशोक महले के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।